चारधाम यात्रा के लिए मई तक बुकिंग फुल हो गई है। करीब 5.5 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बाद की बुकिंग मिल रही है। बढ़ती भीड़ की वजह से सख्ती से रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो लगातार चारधाम यात्रा को लेकर यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अब 15 दिन बाद की बुकिंग यहां पर मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जैसा कि पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार चारधाम यात्रा में भारी संख्या में लोग यात्रा करने के लिए पहुंचने वाले हैं और वही देखने को भी मिल रहा है। भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रही है और मई तक बुकिंग भी फुल हो गई है। बिल्कुल साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से उम्मीद है वो उम्मीद से काफी ज्यादा लोग जो है श्रद्धालु हैं उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और लगातार हम बात करें तो चारों धाम के साथ खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपनी श्रद्धा के साथ चारों धाम के दर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर हम बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ में तो लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं श्रद्धालु हैं वो अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और तमाम जो बुकिंग है वो लगभग पूरी कर दी गई है। और वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में भी सरकार को पूरा जोर दे रही है और किस तरह से सरकार के जो जो पर्यटन मंत्री हैं, जो धर्मेश्वर मंत्री हैं, उनके सीधे तौर पर हमारा ऐसा कहना है कि किसी भी हाल में किसी भी जो श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड आ रहे हैं उनको निराश नहीं होने देंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ हर एक व्यक्ति को अपनी बारी का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि भारी भीड़ चारों धामों में देखी जा रही है और मानसून भी बहुत नज़दीक है, ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर मानसून बहुत जल्द यहाँ पर आता हो, कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राज्य सरकार और जो श्रद्धालुओं को भोगना पड़ेगा। लेकिन इसी को लेकर के सरकार भी लगातार यहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आ रही है कि किस तरह से जो सेफ जोन है वो बनाया जाए ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित रखने का भी यहाँ पर काम किया जाए। तो इसी कड़ी में लगातार जो यात्रा रूट है वहाँ पर भी निरीक्षण किया जा रहा है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही लगातार अब जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी चार धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर से आह्वान किया और विशेष तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं खासतौर पर तीनों जनपदों की अगर बात करें रुद्रपुर, चमोली और उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उनको उनका परीक्षण। चलिए हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा के लिए मई तक बुकिंग्स फुल हो गई हैं। करीब 5.5 लाख यात्री अब तक यात्रा कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के 15 दिन बाद की बुकिंग अब मिल रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।